हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी को पूजा जाता है। कात्यायन नामक जो महान ऋषि हुआ करता था, वो देवी शक्ति के बड़े महान भक्त थे और कामना करते थे कि देवी शक्ति बेटी के रूप में जन्म ले। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए वे दिन रात देवी की प्रार्थना किया करते थे। इसी बीच महिषासुर नामक एक राक्षस था। वो दिन बर दिन और अधिकशाली होता जा रहा था और देवताओं को परेशान करता था। देवतागण उसे रोक नहीं पा रहे थे और उन्हें घोर निराशा हो रही थी। ऐसे में देवताओं ने निर्णय किया कि वे देवी शक्ति से प्रार्थना करें और वे ही उन्हें महिषासुर से बचा सकते हैं। देवी शक्ति ने प्रार्थना स्वीकार करते हुए फैसला किया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर को सबक सिखाने का समय आ गया है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बेटी के रूप में जन्म लेने का निर्णय किया और ऋषि कात्यायन का घर चुना, क्योंकि वो कात्यायन के घर में पैदा हुई थी। उनका नाम कात्यायनी रखा गया। कात्यायनी बड़ी होकर सुंदर कन्या बनी। एक दिन चंड और मुंड नाम के महिषासुर के दो दूतों ने कात्यायनी को देखा और सोचा कि महिषासुर और कात्यायनी की जोड़ी बहुत सुंदर होगी। इसलिए वे तुरंत वापस महिषासुर के पास गए और कात्यायनी के बारे में बताया। महिषासुर ने दुंदुमी को कात्यायनी के पास भेजा। दुंदुमी ने कात्यायनी से कहा कि महिषासुर कितना महान है, कैसे उसने देवताओं को हराया, तीनों लोकों का शासक बन गया है और किस प्रकार से वो और कात्यायनी एक महान विवाहित जोड़े का निर्माण करेंगे। कात्यायनी ने दुंदुमी से कहा, आपने महिषासुर का वर्णन बड़े अच्छे से किया, लेकिन मेरे परिवार के परंपरा के अनुसार मैं महिषासुर से विवाह तभी कर सकती हूँ जब वो मुझे युद्ध में हरा दे। दुंदुमी कात्यायनी का संदेश महिषासुर के पास ले गया और महिषासुर के आदेश से युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। कात्यायनी ने दुंदुमी राक्षस को मार डाला। महिषासुर को मारना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। कात्यायनी उसकी पीठ पर चढ़ी और त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इस तरह देवी कात्यायनी ने देवताओं को शांति प्रदान किया। इनकी चार भुजाएं हैं। दाई तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। इनका वाहन सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। मम्मी।